मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। So Vishnudev Sai has been sworn in as the Chief Minister of Chhattisgarh along with two Deputy Chief Ministers, Arun Sao and Vijay Sharma. But look at the BJP's big muscle flex in these images. BJP's show of strength. Several Chief Ministers including UP CM Yogi Adityanath, Assam CM Hemant Biswa Sarma and Haryana CM Manohar Lal Khattar seen on these images. Several Union Ministers also seen in these images. There you see, and former Chief Minister of Chhattisgarh, BJP Chief Minister of Chhattisgarh, Raman Singh, also seen in those images. And there, Prime Minister Narendra Modi waving to the people who assembled at the Science College grounds where the swearing-in ceremony took place. JP Nadda also seen in these images. The Chief Ministers of Uttarakhand and Goa also seen in these images. Very, very clear muscle flex by the Bharatiya Janata Party. Big win ahead of 2024 in Chhattisgarh, Rajasthan and in Madhya Pradesh, the Hindi heartland.
The BJP took its own sweet time to name the chief ministers, to name the deputy chief ministers.